हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलीजन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर गुप्त एम्पायर के टाइम में कैसा था इस बारे में। तो देखिए, गुप्ता एम्पायर के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उनके सोर्सेज, उनके फाउंडर्स, सारे रूलर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी। तो आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, सारी वीडियोज़ मैं पार्ट में अपलोड कर रही हूँ सो दैट आपको बोरिंग ना लगे, राइट। तो चलिए जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। रिलीजन, रिलीजन क्या होता है? धर्म। तो धर्म से रिलेटेड क्या सोचते हैं उन लोगों की, क्या उस टाइम पे किस चीज का, आप कहते हैं ना कि उद्भव हुआ, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, बस वो थोड़ा सा हमें पढ़ना है। काफी शॉर्ट वीडियो होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, काफी ज्यादा हेल्प आएगी आपके। रिलीजन यानी धर्म की बात करें तो भगवतीज्म सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ विष्णु और भगवत। भगवतीज्म का उस टाइम पे काफी प्रचार हुआ, डेवलपमेंट हुई, विष्णु की पूजा या भगवत की पूजा के सेंटर था, मतलब इसका मेन फोकस था विष्णु भगवान। ठीक है, भगवत गीता वॉज रिटन इन दिस पीरियड। ऐसा माना जाता है कि भगवत गीता को इस टाइम पीरियड पे लिखा गया था। आइडल वर्शिप इन द टेम्पल बिकेम अ कॉमन फीचर, यानी कि मूर्ति पूजा करना मंदिरों में जाकर ये कॉमन फीचर था इस टाइम पे, राइट। बुद्धिज्म नो लॉन्गर रिसीव्ड रॉयल पेट्रोनेज इन द गुप्ता पीरियड। गुप्त शासक जब आए उनके टाइम पीरियड में बुद्धिज्म को इतना बढ़ावा नहीं मिला जितना कि पहले मिलता था, राइट। तो बस इतना सा था रिलीजन में। वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करना, राइट। अब हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा रहा। तो देखिए काफी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं तो आपको तैयारी तो पूरी रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, मैं डेली करंट अफेयर्स भी अपलोड करती हूँ, तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है मेरी वीडियोज आप देख सकते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगी, राइट। तो चलिए आर्ट के बारे में जाने। आर्ट माने कला। तो गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडिया भी कहा जाता था गुप्त इरा को, गुप्ता पीरियड को, द एज ऑफ गुप्ताज को गोल्डन एज, स्वर्णिम काल कहा जाता था प्राचीन भारत का, क्योंकि काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई इस टाइम में, इसीलिए कहा जाता होगा, है ना। तो समुद्रगुप्त रिप्रेजेंटेड ऑन क्वाइंस प्लेइंग वीना, जो सिक्के इश्यू हुए थे समुद्रगुप्त के टाइम में, उस टाइम पे इनको शो किया गया था सिक्कों के ऊपर एज प्लेइंग वीना, जैसे वीना बजा रहे, वीना वाजक भी इन्हें कहा जाता था। चंद्रगुप्त टू है, इनके कोर्ट में, इनके दरबार में 9 ज्वेल्स आपको मिलेंगे, मतलब 9, आप कहते हैं 9 रत्न मिलेंगे, जो काफी ज्यादा आर्टिस्टिक पर्सन होंगे, पर्सनैलिटीज होंगे, जैसे कालिदास है, अमर सिम्हा है, धनवंतरी है, वाराह मिहिर है, वरुचि है, घटकर्णा है, और ये कश्यप रनाक है, वेला भट्ट, शंकु। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये कालिदास हो गया, धनवंतरी हो गया, अमर सिम्हा, वारा मेरे 2-4 इंपॉर्टेंट है तो इनका पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है भगलपुर। भगलपुर में क्या मिला है? 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ बुद्धा ऑफ गुप्ता पीरियड, गुप्त टाइम के, गुप्त काल की बुद्धा की 2 मीटर हाई ब्रॉन्ज की इमेज मिली है भगलपुर में, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बुद्धा सिटिंग इन धर्म चक्र मुद्रा सारनाथ। सारनाथ का है गुजरात में, तो सारनाथ में धर्म चक्र मुद्रा में बैठे हुए बुद्धा जो है उनकी वैसी मूर्ति मिली है। पेंटिंग्स जो है अजंता पेंटिंग्स हो गई, पेंटिंग सेट बाघ एमपी हो गई, बिलोंग टू बुद्धिस्ट आर्ट। तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स मिली हैं वो बुद्धिस्ट आर्ट से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें समझाने वाला तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अलग अलग तरह के कंटेंट्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर एक चीज आप तक पहुंच जाए, एंड दैट्स इट, ठीक है। नाउ स्तूपास की बात करें तो मीरपुर खास है सिंध में, रत्नागिरी है उड़ीसा में, धमेक है सारनाथ में, ठीक है। ये स्तूपास मिले हैं गुप्त काल के टाइम पे जो बने थे उनकी बात हो रही है। मेटलर्जी की बात करें, मेटलर्जी होता है कि मेटल्स के क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस हुई थी, क्राफ्ट्समैन जो है, मेटल स्टैचूज, पिलर्स, ये सारे जो है काफी ज्यादा एडवांस हो गए थे उस टाइम पे, क्राफ्ट्समैन जो है बहुत एडवांस नक्काशियां वगैरह करते थे। द गिगेंटिक कॉपर स्टैचू ऑफ बुद्धा, बुद्धा की एक तो ब्रॉन्ज इमेज मिली है, ये याद रखना है अपने, भगलपुर में 2 मीटर हाइट वाली, और दूसरे की बहुत बड़ी कॉपर स्टैचू मिला है बुद्धा का, ठीक है, सुल्तानगंज में, जिसे बिरमिंगम म्यूजियम में अब ले जाया गया है, 7.5 फीट इसकी हाइट है। तो देखिए ऐसा कुछ खास तो है नहीं, बट जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इनके नोट्स बनाने तो बनते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन आ सकता है बार बार, आप हल्का सा इनको पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में वैसे बैठ जाएंगे, याद करने की इनको जरूरत नहीं है, इनको बस रीड कीजिए आप एक बार, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाके क्लिक करना है,
जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जिन नोट्स के थ्रू मैं पढ़ाती हूँ उन्हीं की PDF आपको मिलेगी। तो इससे होगा क्या कि आपको बहुत ही कम प्राइस में एक बहुत अच्छा खासा कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपको PDF में कोई भी इशू आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसी टॉपिक से रिलेटेड मेरी वीडियो देख सकते हैं एंड देन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। द दिल्ली आयरन पिलर ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्त शासक जो थे, गुप्त काल जो था, उस टाइम का दिल्ली में एक आयरन पिलर मिला है। बहुत खास बात है इसके बारे में, तो इसके बारे में तो बिल्कुल ध्यान से सुनना बनता है। इट इज फ्री फ्रॉम रस्ट, दो कंप्लीटली एक्सपोज टू सन एंड रेन फॉर सो मैनी सेंचुरीज। अब देखिए, गुप्त शासकों ने बनाया था, कितने साल पहले बनाया था, तब से आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, जबकि ये खुले में है, इसके ऊपर सनलाइट भी पड़ती है, बारिश होती है तब भी होता है, हवाएं सब, हर एक मौसम जैसा भी है चेंज होता है तो फर्क पड़ता है, लेकिन इसके ऊपर आज तक रस्टिंग नहीं, मतलब जंग नहीं लगा है। तो बहुत बड़ी सोचने की बात है, इस चीज को आप अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट करें, राइट। तो चलिए, हमारा आर्ट भी हो गया कंप्लीट, रिलीजन भी हो गया कंप्लीट, अब हमें पढ़ना है आर्किटेक्चर के बारे में। तो देखिए कितना थोड़ा सा है, बस दो चार बातें हैं पढ़ने वाली, है ना। आर्किटेक्चर के बारे में क्या आता है, नगाड़ा एंड द्रविडियन स्टाइल्स ऑफ आर्ट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस शासनकाल में जो नगाड़ा एंड द्रविडियन स्टाइल थे आर्ट के, कला के, वो निखर कर आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके टाइम में डेवलपमेंट हुई या निखर के आया, ऐसा कुछ बिना सोचे टिक लगाना है गुप्त इरा पे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भगृह। गर्भगृह क्या है, श्राइन रूम इन विच द इमेज ऑफ द गॉड इज केप्ट। आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में एक कमरा होता है जिसके अंदर भगवान की मूर्ति रखी होती है, तो बस वही बात हो रही है। गुप्त शासनों, जो गुप्त शासक थे, इनके टाइम पीरियड में, गुप्त रूलर्स के टाइम पीरियड में क्या था, मंदिरों में जहां जो है भगवान की मूर्ति रखी जाती थी उसके लिए एक अलग से रूम बनाया जाने लगा, जिसे कहा जाने लगा गर्भगृह, श्राइन रूम, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है द फ्रेगमेंटरी रिमेन्स ऑफ द सवतारा टेम्पल ऑफ देवगढ़। अब देवगढ़ में जो 10 अवतार टेम्पल हैं, इसके जो रिमेन्स हैं, अब कुछ कुछ, अब देखिए इतना पुराना मंदिर है, कुछ कुछ इसके शेष बचे हैं ना, तो उनसे हमें क्या पता चलता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट ब्यूटिफुली कम्पोज गुप्ता टेम्पल बिल्डिंग। गुप्त शासन काल में जो बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बने थे उनमें से एक ही ये था, 10 अवतारा टेम्पल ऑफ देवगढ़। ठीक है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉर द फर्स्ट टाइम वी गेट इमेजेस ऑफ विष्णु, शिवा एंड अदर गॉड्स। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब जो है विष्णु की मूर्तियां बनाई जाने लगी, शिव जी की मूर्तियां बनाई जाने लगी, और जो भी बाकी भगवान थे सबकी मूर्तियों की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है, ऑफ द ब्रह्मैनिकल इमेजेस मोस्ट इंप्रेसिव, जितने भी हमें इमेजेस मिलती हैं भगवानों की, उसमें सबसे ज्यादा इंप्रेसिव है द ग्रेट बोर, वराह की, कार्व्ड एट द एंट्रेंस ऑफ अ केव एट उदयगिरी। उदयगिरी में एक गुफा है, उस गुफा के एंट्रेंस पे ग्रेट बोर जो है बना हुआ है। तो बस देखिए, अब इसमें याद करने वाला तो कुछ नहीं है, बस आप एक बार रीड कर लो। नगाड़ा द्रविडियन स्टाइल हो गया, गर्भगृह हो गया, दशावतारा टेम्पल ऑफ देवगढ़ हो गया, इमेजेस मिलने लगी विष्णु शिव एंड अदर गॉड्स की, उदयगिरी केव पे ग्रेट बोर वराह था, चार पॉइंट्स लिख लिए, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं में से बनता है, इसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ बनता है, क्योंकि मैंने दो तीन जगह से देख के नोट्स बनाए। बट देखिए, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री ऐसा है ना कि जितना पढ़ लो कम है, तो हमने सारा नहीं पढ़ना, हमने कोई मास्टरी हासिल नहीं करनी है, हमने कोई हिस्टोरियन नहीं बनना है, हमने जस्ट मोटे मोटे पॉइंट्स उठाने हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, उनकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हो गया कंप्लीट, काफ़ी शॉर्ट वीडियो था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो जरूर बताएं कि आपने नोट्स बनाए नहीं बनाए, प्लस आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके, राइट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So that's it guys, and see you soon.